गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ राजीव सर। आज मैं आपको साइंस में हमारे चारों ओर के परिवर्तन यानी चेंजेस अराउंड अस ये चैप्टर समझाने जा रहा हूं। देखिए, परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। परिवर्तन हमारे चारों ओर या हमारे आसपास किसी भी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव परिवर्तन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास स्थित किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रियाओं के आकार में बदलाव क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। हम लोग अपने चारों ओर नित प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के परावर्तन या परिवर्तन देखते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना। आज आपको धूप दिखती है तो कल थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बादल आ गए और फिर पानी भी बदलने लगता है। तो इस टाइप के हमें परिवर्तन नित प्रतिदिन अपनी दैनिक क्रियाओं में दिखते हैं। तो परिवर्तन क्या होता है, मैं परिभाषा के थ्रू समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको इन सब की डेफिनेशन समझाऊंगा। देखिए परिवर्तन क्या होता है, हमारे आसपास की वस्तु, व्यक्ति या प्राकृतिक घटनाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव परिवर्तन कहलाता है। स्टूडेंट्स, आ गया परिवर्तन। जैसे आप लोग आज छोटे हो, कुछ समय पश्चात आप लोग बड़े हो जाओगे, तो ये आपका बदलाव है। प्राकृतिक घटना कैसे, ऋतुओं का बदलना, आज ठंडी कल गर्मी, परसों बरसात, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन। ठीक है, अब परिवर्तन के प्रकार, देखिए परिवर्तन के कुछ प्रकार होते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला परिवर्तन होता है आवर्ती परिवर्तन। देखिए आवर्ती परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जो किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः दोहराया जाता है, उसे हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, आवर्ती परिवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा, वह परिवर्तन जो किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः दोहराया जाता है। ठीक, लिखिए वह परिवर्तन जो किसी निश्चित समय के पश्चात पुनः दोहराया जाता है।
तापी परिवर्तन कहलाता है। देखिए सुनिए, कुछ हमारे आसपास ऐसे परिवर्तन होते हैं जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः दोहराए जाते हैं, जैसे दिन और रात का होना, पर डे दिन होगा पर डे रात होगी, ठीक है। ऋतुओं का बदलना, हमको पता है अभी गर्मी का मौसम है, इसके बाद बरसात का मौसम आएगा, फिर ठंडी का मौसम आएगा, तो इस टाइप के परिवर्तन को हम लोग आवर्ती परिवर्तन बोलते हैं, क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः होती रहती है। जैसे दिन व रात का होना, नंबर दो ऋतु परिवर्तन होना, ठीक है। ये हमारा परिवर्तन कुछ ऐसा होता है जिसकी आवृत्ति निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनः होती रहती है। अब दूसरा है अनावर्ती परिवर्तन, क्या लिखेंगे स्टूडेंट परिभाषा, वह परिवर्तन जिनकी आवृत्ति या वह परिवर्तन जो, या यही लिख सकते हैं, वह परिवर्तन जिनकी आवृत्ति निश्चित समय अंतराल के पश्चात पश्चात नहीं होती, अनावर्ती परिवर्तन के अंदर। देखिए कुछ परिवर्तन हमारे इस प्रकार के होते हैं कि जिसकी पुनरावृत्ति या जिसकी आवृत्ति निश्चित समय अंतराल के पश्चात नहीं होती, जो एक बार घट गया वो उसी प्रकार का रहेगा, दोबारा वो चीजें नहीं हो सकती। जैसे एक शिशु का वयस्क बनना, अब एक बार कोई व्यक्ति बड़ा हो गया तो क्या वो दोबारा छोटा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अब धीरे धीरे वो बड़ा ही होता चला जाएगा, जरूर वो धीमी गति से होगा, तो ये मंद परिवर्तन का भी उदाहरण है, परंतु इसकी आवृत्ति निश्चित समय अंतराल के पश्चात नहीं हो सकती, मतलब ये नहीं हो सकता है कि कभी व्यक्ति पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति या पहले वाली स्थिति को दोहराए, यानी बालपन से गुजरा है तो वापस बालक बन जाए, ठीक है। तो इस टाइप के ये जो परिवर्तन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि कौन सा परिवर्तन हो गया, अनावर्ती परिवर्तन। तो स्टूडेंट ये दो परिवर्तन है, इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम आपको आगे के परिवर्तन बताने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन हो गया, अब आप देखेंगे मंद परिवर्तन। देखिए वह परिवर्तन जिसको संपूर्ण या पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है उसे हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, मंद परिवर्तन बोलते हैं। क्या होगा, वह परिवर्तन
जिसको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि परिवर्तित होती है वस्तु, वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन जरूर होता है पर उस परिवर्तन में बहुत अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, मंद परिवर्तन। जैसे पौधे का वृक्ष बनना, ठीक है, दूसरा शिशु का वयस्क बनना, ठीक है स्टूडेंट, ये वो परिवर्तन होते हैं जो होते तो हैं पर इनमें बहुत अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, मंद परिवर्तन। अब तीव्र परिवर्तन क्या होते हैं, वह परिवर्तन जिनको या जिसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। कैसा परिवर्तन कहलाता है स्टूडेंट्स, तीव्र परिवर्तन कहलाता है। कहलाता जैसे माचिस की तीली का जलना, एक बल्ब द्वारा स्विच को ऑन ऑफ करना, ये स्विच वाली स्विच द्वारा बल्ब को ऑन ऑफ करना, स्विच द्वारा बल्ब को जलाना या बुझाना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे होते हैं तीव्र परिवर्तन। जैसे आप लोग किसी चीज को बहुत तेजी से सीख लेते हो तो आपको वो चीज बहुत जल्दी आ गई तो आपका ये परिवर्तन कैसा हो गया, सीखने का तीव्र। और कोई चैप्टर बहुत टफ है, आपको समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है तो वो आपको थोड़ा सा लेट समझ में आ रहा है तो वो परिवर्तन कैसा हो गया, थोड़ा सा मंद परिवर्तन हो गया, ठीक। तो ये स्टूडेंट हमारे तीव्र और मंद परिवर्तन है। इसके बाद एक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसको
पुनः पहले रूप में वापस लाया जा सकता है, उसे हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो क्या लिखेंगे? वह परिवर्तन जिसको अपने प्रारंभिक रूप में पुनः लाया जा सकता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे गुब्बारे को घुलाकर उससे हवा निकालकर उसकी प्रारंभिक स्थिति में ले आना। देखिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु को पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति में लाया जा सकता है। आप गुब्बारे को फुलाओ, गुब्बारा फूल जाएगा और उसमें हवा भर जाएगी, वापस उससे हवा निकाल दो तो गुब्बारा अपने प्रारंभिक स्थिति में पुनः वापस चला आएगा। कागज से आप एक एरोप्लेन बना लो तो खिलौने का आकार ले लेगा, वापस अगर उसको कागज को खोल दो, एरोप्लेन को खोल दो तो वापस कागज बन जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन में हम देख रहे हैं, कागज से हम हवाई जहाज बना देते हैं कागज का, और जैसे ही उसको खोल देते हैं तो वापस कागज यानी एक पेज बन जाता है। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब इसके बाद आपका अनुक्रमणीय परिवर्तन है, वो मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड, अनुक्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जो एक बार हो जाने के पश्चात उसे पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए, वह परिवर्तन जिसके संपन्न यानी पूरा होने के पश्चात उसे उसकी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लाया जा सकता, तो इस प्रकार का परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे दूध से
पनीर बनना बनना एक बार जब दूध से पनीर बन जाता है तो वापस क्या आप उसको दूध में परिवर्तित कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कागज का जलना एक बार अगर कागज जल जाए तो क्या आप दोबारा उससे कागज प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो ये हमारे परिवर्तन थे इस चैप्टर के। मैंने आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, आगे के जो परिवर्तन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो स्टूडेंट मैंने परिभाषाएं बुक में लिख दी हैं और आपकी बोर्ड में भी लिखी हुई है, आप लोग इन परिभाषाओं को अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा और कोई भी समस्या हो तो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिएगा। नाउ स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।